अरे उर्मिला कहाँ जा रही है? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही टहल रही थी। अरे यार तो गले लग जाए अपने भैया के, ऐसी बढ़िया खबर लाया हूँ कि खुश हो जाएगी माँ के बिहारी लाल की कृपा से। क्यों भैया, कहीं प्रांजल का रिश्ता तय करा है क्या? अरे हाँ, दुर्गा प्रसाद के साथ सेटिंग जमा दी है मैंने। भैया हम तो ढोल नगाड़े बजवाओ, मामी को नचवाएंगे। पर भैया दुर्गा प्रसाद तो बहुत अमीर आदमी है ना? अरे वो करे अमीर आदमी तो क्या बात है। अरे तेरा भैया मनोहर लाल कोई एरो गेरो ना है बाके बिहारी लाल के पास है? हाँ मान ली बाके पास धन दौलत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन का है अपनी भी समाज में इज्जत बहुत है भाई है? तू कछु मत सोचे उर्मिला, तू तो जे मिठाई को टप्पो देख, मिठाई खा और मजे कर। क्यों मनोहर लाल जी, किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? हाँ मामा जी, कैसी मिठाई? अरे भाई मुबारक हो आप लोगों को, प्रांजल को रिश्तों पक्को करके आया हूँ मैं दुर्गा प्रसाद के छोटे बेटे सुरेंद्र के साथ। भाई ये तो वाकई खुशी की बात है, आपने मेरी आधी चिंता दूर कर दी। अरे उर्मिला तू क्या सोच रही है? वो भैया मैं सोच रही थी कि अपनी प्रांजल है ना, वो बहुत ही जिद्दी है, बस एक ही बात की रट लगा के बैठी है कि जब तक लड़के से अकेले में नहीं मिलेगी जवाब नहीं देगी। ओहो, या को मतलब अभी तक वाकई सुई वही अटकी हुई है? तूने समझाया ना बाबू? समझाया था भैया। भैया आप भी कोई चक्कर क्यों नहीं चलाते हो जिससे प्रांजल लड़के से अकेले में मिल सके? अरे भैया उर्मिला अभी तो तेरी बात सुनकर के मनोहर लाल को चक्कर आने लग गए हैं। तू चिंता मत करे, मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकालूंगा या को निकालने भी आने लाल की कृपा से।